सो हे गाइज एंड वेलकम टू टेक यू चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइज? इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक स्क्रीन मैग्नीफायर की जो कि है मेरे सामने, और ये है एक 12 इंचिस का स्क्रीन मैग्नीफायर। और इससे पहले भी मैं कई सारे इस टाइप के प्रोडक्ट अनबॉक्स कर चुका हूं जिसपे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैं एक और प्रोडक्ट ऐसा ही लेके आ गया हूं लेकिन थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। अब गाइज ऐसा होता है कभी कभी आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो वो ये प्रोडक्ट आपकी उस चीज़ में मदद कर सकता है। और इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि आपका जो वॉचिंग एक्सपीरियंस है जो कि एम्पलीफाई करके दिखाता है वो कितना ज़्यादा बेटर कर सकता है या फिर बेटर करने के लिए कैपेबल भी है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरी देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज ये है हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमें स्क्रीन मैग्नीफायर मिलता है, 12 इंचेस का ये स्क्रीन मैग्नीफायर है। और कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स मिलेगा जब आप इसको मंगाओगे, और पीछे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दे रखे हैं या टिप्स भी दे रखे हैं जो मैं आपको अनबॉक्सिंग के बाद इसमें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है और उसकी क्वालिटी कैसी मिलती है। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं मिनट। ओके गाइज, तो ये आपको दो चीज़ें इसके अंदर मिलती है स्क्रीन मैग्नीफायर के अंदर, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके तो ये बेस स्टैंड है, जैसे कि देखने में लग रहा है ये बेस स्टैंड है। हाँ गाइज, ये एक बेस स्टैंड है जो कि आपको ये रेस्ट करेगा अपना, ऐसे इस टाइप से ये रेस्ट कर जाएगा, और ये अपना ग्लास होना चाहिए। तो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकिंग तो नॉर्मल सी ही है जो कि आपको नॉर्मल किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में मिलती है। पन्नी कर देते हैं साइड, और ये है हमारा जो 12 इंचिस का ग्लास है जिसमें आपकी स्किन जो है मैग्नीफाई होकर शो करेगी। और ये इस टाइप की रोटेशन के साथ मिलता है, ये बेंड हो जाता है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो दूसरे जो स्किन मैग्नीफायर है उससे अलग है जो कि मैंने अनबॉक्स किया था लास्ट टाइम। और ये लगेगा कुछ इस टाइप से, एक मिनट। ओके तो ये फ़ोन रखने की जगह है, देखिए ये कुछ इस टाइप से आपका ऐसा फ़ोन ये रेस्ट कर जाएगा। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ फिर आपको एक बार दिखाता हूँ। वैसे क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, थोड़ा सा ये हाँ ठीक है, क्वालिटी ठीक है और स्टैंड की भी क्वालिटी ठीक है। तो इसको आप जो है कुछ इस टाइप से लगा सकते हो। इसके अंदर ये जो लॉक दे रखा है, इस टाइप का लॉक है, ये आप इसको ऐसे लगा सकते हो। तो ये एक अपना स्क्रीन मैग्नीफायर जो है कंप्लीट हो गया है, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा जब आप इसको मंगाओगे। ऐसे ही इसका जो है इसको लॉक करना है, देन आप इसको यूज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे। और आपको कुछ इस टाइप से अपना मोबाइल रखना है, सी गाइस कुछ इस टाइप से आपको अपना मोबाइल रखना है, और आप फिर अपना जो भी कंटेंट आप देखना चाहो वो देख सकते हो। तो मैं इसमें आपको कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा एम्पलीफाई करके देखने को मिलता है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह या फिर कितना क्लियर रहता है इस स्क्रीन मैग्नीफायर में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर वीडियो प्ले कर दी है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको मोबाइल लगाना है एंड देन आप इसको देखने के लिए तैयार हो जाओगे और कुछ इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और गाइस इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे जब आप वीडियो देखो तो इससे 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर आप रहो ताकि आपको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देखने को मिले, जो व्यूइंग एंगल है वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो सके। पास से आप देखोगे तो आपको सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन दिखेगा जैसे कि मैं आपको शो कर पा रहा हूँ, और दूर से आप देखोगे तो आपको सिर्फ जो क्वालिटी, सिर्फ जो कंटेंट चल रहा है वो आपको दिखेगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और साइड में आप देखो तो साइड में आपको फ़ोन के जो बेजल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इसको जो है सामने से ही देखना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ कि आपको जो है अपने रूम की जो भी लाइट्स हैं वो बंद करनी पड़ेगी, वरना इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन आपको शो करेगी जो कि आपका कॉन्टेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप इसको सेंटर में देख रहे हो वहीं से आपको परफेक्ट व्यूइंग एंगल मिलेगा, अगर आप इसको साइड से देखते हो तो आपको जो है परफेक्ट व्यूइंग एंगल नहीं मिलेगा जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसको आपको सेंटर से ही देखना होगा, तब जाके आपको बेस्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और कुछ इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये देखिए
ऐसा आपको देखने में मिलेगा और कुछ इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई PDF भी पढ़नी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो या फिर वो भी आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, तो आपको वॉचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इसको जो है लो लाइट में इस्तेमाल करोगे तो और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।